हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। जैसे कि आज हम लोग चेनू घाट जा रहे हैं पिकनिक बनाने के लिए, और हमारे साथ और भी हमारे मित्र हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हैं हमारे चंदन भैया, वीडियो एडिटर, यही है हमारे वीडियो में जितना भी एडिटिंग का काम है इन्हीं का है। हमारे मेन देख सकते हैं प्रोड्यूसर साहब, जो कि जो भी प्रोड्यूस करना है, पैसा लगाना है, सब इन्हीं का देन है। हमारे साथ भोला जी भी है, देख सकते हैं, ये हमारे पार्टनर, ये भी इंट्रो में कुछ बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो बोलबे करते हैं। और हमारे साथ हैं हमारे मैनेजर साहब, जो देख सकते हैं, रविकांत जी जी जी, हमारे मैनेजर यही हैं। और हमारे साथ दो बच्चे भी आए हुए हैं, राहुल जी और आयाज जी। ठीक है, हम लोग इंजॉय आज पूरा है, आगे की वीडियो और दिखाते हैं। चुके हैं टेनू घाट, और देखिए अभी हम लोग पूरा गर्दा उड़ाएंगे। आज का ब्लॉग का धनिया बू देना है। सामान यहाँ उतर चुका है, अब हम लोग का पिकनिक का तैयारी आगे होगा। अभी और भी सामान है, उतर ही रहा है। जैसे कि देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा है, नजारे को देखते हुए और मन संतुष्ट हो जा रहा है, और इंजॉय करना है आज का ब्लॉग। आज का दिन बहुत ठंडा था, ठंडा है, लेकिन फिर भी हम लोग पिकनिक बनाएंगे और घर जाएंगे। देखिए हम लोग चूल्हा जलाने जा रहे हैं, जलेगा कि नहीं इसका गारंटी तो नहीं है। कहाँ जा रहे हैं भैया? हम लोग जा रहे हैं मछली पकड़ेंगे। आप अपना बात कीजिए, सिर्फ अपना बात कीजिए। मछली पकड़ने जा रहे हैं, जाइए मछली पकड़िए। देखिए हम लोग का दो चेला चपाटी सब क्या कर रहा है, मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मगर हमको पता है कि मछली नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है रूप, ठीक है अभी बोल रहा है, मगर हम लोग हिसाब से ठीक नहीं है। देखिए ये चश्मा खोल के ना आइए भैया। देखिए हम लोग का सारा बर्तन उतन धुला रहा है, ये रहा बर्तन हम लोग लाए हैं, इसमें बिरयानी बनेगा अभी। और देख सकते हैं यहाँ कोयला वाला रखा हुआ है, कोयला है, और इसमें चूल्हा भी हम लोग जला, चूल्हा जल गया है। देखिए चूल्हा जला रहे हैं हम लोग, यहाँ बर्तन उर्तन सब धुला रहा है, बर्तन सब धुला रहा है। देखिए बर्तन धुला रहा है, फिर राहुल जी धो रहे हैं बर्तन को। तो गाइस ये हमारे मुखिया जी हैं, हमारे सीनियर अधिकारी, ये किसी कारणवश से कहीं चले गए हैं। अभी हमारे कमिंग सून पार्ट थर्ड आने वाला है, पार्ट टू में, ये पार्ट वन में गए थे, पार्ट टू में आए थे, लेकिन थर्ड में पूरा फाइनल डिसीजन हो गया। अभी पार्ट थर्ड रोकी भाई का आने वाला है, उसमें आएंगे कम बैक, उसमें आएंगे तो सबसे ज्यादा घाटा हमरे है और किसी का नहीं है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो घाटा किसका है आप बताएं, किसी का नहीं। देखिए भोला भैया प्याज काट रहे हैं, देखिए 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 देखिए, और रविकांत भैया कंचू कंची लाए हैं, और भी कुछ देखिए। भोला भैया प्याज काटने, भोला भैया प्याज काटने में कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है भोला भैया को, देखिए। अच्छा अच्छा, और आज आप क्या कर रहे हैं? ये हम लॉलीपॉप की तैयारी कर रहे हैं, लेग पीस का। अच्छा लेग पीस का तैयारी कर रहे हैं, लॉलीपॉप का, लॉलीपॉप बनेगा अभी। देखिए सिर्फ लेग पीस इस बाल्टी में पूरा भरा हुआ, देख सकते हैं। देखिए और इसमें चिकन है बहुत सारा, देखिए। और काट जल्दी, देखिए मिस्त्री जी बोल रहे हैं, बोले जल्दी जल्दी काटो। तो दोस्तों हम लोग का पिकनिक खत्म हो चुका है, और अभी हम लोग घर जाने की तैयारी में हैं। यहाँ अमीर भैया और रूप मुखर्जी आग का थोड़ा मजा ले रहे हैं, और उधर चंदन भैया और राहुल भैया है, सो बर्तन समटने की तैयारी में है। चंदन भैया कैसा लगा पिकनिक में आके? बहुत मजा आया भैया, पूरा हम लोग फुल एंजॉय किए हैं, पूरा फुल के मजा लिए हैं। तो और अभी हम लोग जाने वाले हैं, सारा बर्तन उर्तन भी तैयार कर दिए हैं, बस गाड़ी में भरेंगे और हम लोग चलेंगे अब घर की ओर, ताकि शाम भी हो चुका है, इसलिए समय को देखते हुए हम लोग घर भी जाना जरूरी है, क्या हम लोग बहुत दूर आए हुए हैं, इसलिए हम लोग घर चल रहे हैं।
तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों। तो दोस्तों देखिए शाम हो चुका है और सूर्य महाराज भी डूब चुके हैं। देखिए सूर्य नजर नहीं आ रहा है, डैम के उस पार छुप गए हैं। तो चलिए अब हम लोग घर की ओर चलते हैं। बने रहिए हमारे साथ और लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। तो यहाँ पे सामान को गाड़ी में लोड कर रहे हैं हमारे रविकांत भैया। तो दोस्तों अब हम लोग घर जाने की तैयारी में हैं। हमारे सारे दोस्त यहाँ पे खड़े हैं। रूप भैया हमारे इस गाड़ी में सो चुके हैं। तो चलिए अब लोग हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग का वीडियो कैसे लगा लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।